गीता, जरा आज हम सब लोगों को एक अच्छी सी कविता तो सुनाओ। सूट सिलाने की जिद मन में हाथी जी ने ठानी, चले नाप देने दर्जी को संग में हथनी रानी। उछला कूदा कुकू दर्जी नाप नहीं ले पाया, गया भाग कर मोटू मल से ऊंची सीढ़ी लाया। कितना कपड़ा लेकर कुकू बोले हाथी दादा, कुकू बोला 12.5 मीटर लेकर आजा। वाह गीता, तुमने तो हम सब लोगों को बहुत अच्छी कविता सुनाई। अच्छा राजू, गोपू और गीता, बताओ तो जरा, क्या तुम लोग भी कुकू की तरीके से नाप कर सकते हो? कैसे करोगे बताओ। भैया हम तो नहीं बता सकते, आप ही बता दी जरा। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। गीता जरा ये पटरी लो और बताओ तो जरा इसमें कितने सेंटीमीटर तक लिखा है? भैया 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा गोपू, अब जरा तुम इस पटरी की सहायता से इस रस्सी को 100 सेंटीमीटर तक नापो और बताओ कितनी बार में नापा? 40, 60, 75, 90 भैया 6 बार में पूरी पूरी पटरी और 7वीं बार में 10 सेंटीमीटर और नापेंगे। बिल्कुल ठीक बताया। अब ये आपकी 1 मीटर की रस्सी, या आप कह सकते हैं इसे, ये 1 मीटर आपका तैयार हो गया। अब इस 1 मीटर की सहायता से आप अपने घर के दरवाजों की लंबाई चौड़ाई, अपने विद्यालय या में उपस्थित कक्षाओं के कमरों की लंबाई चौड़ाई और साथ ही अपने दोस्त की लंबाई भी नाप सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी सड़क के किनारे पत्थर पर लिखा हुआ ऐसा देखा होगा, जैसे वाराणसी 15 किलोमीटर, जैसे दिल्ली 127 किलोमीटर, ऐसा कभी लिखा हुआ देखा है? जी भैया। हाँ, और साथ ही आप लोगों ने पिछली कक्षा में मीटर और सेंटीमीटर में नाप लेना भी सीखा होगा, क्यों सीखा है? हाँ भैया। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी कितनी है, तो कैसे बता करेंगे आप बताइए? भैया घर से विद्यालय की दूरी तो बहुत अधिक होगी। देखा गोपू ने बिल्कुल ठीक बताया, ये दूरी बहुत अधिक है और इस दूरी को नापने के लिए हम एक बड़ी इकाई का प्रयोग करते हैं जिसे हम किलोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोमीटर। हाँ अब देखिए, जैसे किलोमीटर को हम छोटे रूप में किमी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? किमी। और इसी तरीके से सेंटीमीटर को हम छोटे रूप में सेमी कह सकते हैं, और ठीक एक और इकाई यानी मीटर, मीटर को हम छोटे रूप में मी भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको छोटी इकाइयों का पैमाना बताता हूं, यानी मीटर और सेंटीमीटर के बीच बनने वाला पैमाना। देखिए वो पैमाना क्या होता है। इस पैमाने के अनुसार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। हाँ, और इसी को हम दूसरे रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के। अच्छा अब मैं आपको इस पैमाने के आधार पर एक सवाल हल करना बताता हूं। देखिए तो जरा, मान लीजिए पूछा जाए कि बताइए 15 मीटर 4 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, तो देखिए किस तरह निकालेंगे इसे। सबसे पहले हम 15 मीटर 4 सेंटीमीटर को 15 मीटर 4 सेंटीमीटर के रूप में लिख लेंगे। फिर क्योंकि पैमाने के अनुसार हमें मालूम है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के, इसलिए हम इसे 15 × 100 cm × 4 cm के रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1500 cm × 4 cm जो बराबर होगा 1504 सेंटीमीटर के। क्या आएगा? 1504 सेंटीमीटर सेंटीमीटर के।
अच्छा अब मैं आपको एक दूसरा सवाल देता हूँ गोपू, मैं आपको पहले एक सवाल देता हूँ इसी पैमाने के आधार पर, यानी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के आधार पर। सवाल आप बताइए, मैं आपको सवाल बताता हूँ, आपको इसका जवाब बताना है। बताइए जरा, सवाल नंबर ख, पहला वाला सवाल नंबर का था, अब ये दूसरा है सवाल नंबर ख। बताइए जरा कि 875, देखिए ध्यान से, 875 सेंटीमीटर में कितने मीटर व कितने सेंटीमीटर हुए, बताइए तो जरा भैया। क्योंकि 875 सेंटीमीटर बराबर 875 सेंटीमीटर बराबर 800 सेंटीमीटर धन 75 सेंटीमीटर व क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। बिल्कुल सही, 1 मीटर, इसलिए हम लिख सकते हैं हाँ 800 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर। 800 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर हाँ, फिर? तब ये आएगा हाँ? 8 मीटर हाँ? धन 75 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक, जो कि बराबर होगा हाँ? 8 मीटर 75 सेंटीमीटर के। बिल्कुल ठीक बताया गोपू आपने, इसका मतलब ये पैमाना आपके ठीक प्रकार से समझ में आ गया ना जी भैया। अच्छा अब आप देखिए, ये तो था मीटर और सेंटीमीटर के बीच बनने वाला पैमाना, अब मैं आपको इससे बड़ी इकाई यानी किलोमीटर और मीटर के बीच बनने वाला पैमाना बताता हूं। देखिए इस पैमाने के अनुसार 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर के। अच्छा गोपू अब जरा इस पैमाने के आधार पर भी एक सवाल हल करके बताओ, मैं सवाल देता हूं और आप बताते आइए क्या इसका हल होगा। सवाल नंबर का बताइए तो जरा, 3 किलोमीटर 650 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए। ध्यान से देखिए गीता, गोपू किस तरह इस सवाल को हल करके बताता है। हाँ बताइए गोपू भैया हाँ? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर हाँ 1000 मीटर 1000 मीटर के होते हैं। बिल्कुल ठीक, इसलिए 3 किलोमीटर 650 मीटर बराबर 3 × 1000 मीटर धन 650 मीटर बराबर बराबर 3000 मीटर। बिल्कुल ठीक, धन 650 मीटर जो कि बराबर होगा हाँ 3650 मीटर के। 3650 मीटर के, बिल्कुल ठीक बताया गोपू आपने, इसका मतलब आपको ये दोनों ही पैमाने ठीक प्रकार से समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको इन इकाइयों यानी किलोमीटर मीटर और सेंटीमीटर के द्वारा जोड़ व घटाने के सवाल बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको जोड़ का सवाल बताता हूं। मान लीजिए आपको दिया गया है जोड़ के सवाल के अनुसार, देखिए सबसे पहले एक बात और बताऊं मैं आपको, इकाइयों के जोड़ व घटाने के सवालों में आपको जोड़ते समय सबसे पहले छोटी इकाइयों की राशियों को जोड़ना है। किनको जोड़ना है? छोटी इकाइयों की राशियों को, और उसके बाद बड़ी इकाइयों की राशियों को। देखिए जैसे मान लीजिए एक सवाल के अनुसार पूछा गया है कि शाहपुर से बाबतपुर की दूरी बराबर दी है 1 किलोमीटर 350 मीटर के बराबर, और आपको शाहपुर से बाबतपुर की कुल आने व जाने में तय की गई दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि आने में लगी दूरी बराबर है 1 किलोमीटर 350 मीटर के व जाने में लगी दूरी, दूरी भी कितनी है?
वो भी समान है, वो भी कितनी होगी, जाने में लगी दूरी, वो भी कितनी होगी, 350 एक किलोमीटर, 350 मीटर, हाँ एक किलोमीटर 350 मीटर। तो जोड़ेंगे किस तरह, पहले हम छोटी इकाइयों की राशियों को यानी मीटर की राशियों को जोड़ेंगे, 350 मीटर धन 350 मीटर जो आएगी 700 मीटर के बराबर, और फिर बड़ी इकाइयों की राशियां यानी किलोमीटर की राशियों को जोड़ेंगे जो होगी 1 किलोमीटर धन 1 किलोमीटर जो आएगा 2 किलोमीटर के। अब देखिए इनको गणितीय रूप में किस तरह लिखेंगे, एक तरफ किलोमीटर लिखेंगे और एक तरफ मीटर लिखकर मीटर के नीचे मीटर की राशियां और किलोमीटर के नीचे किलोमीटर की राशियों को जोड़ेंगे, यानी 1 किलोमीटर 350 मीटर धन 1 किलोमीटर 350 मीटर जो आएगा 2 किलोमीटर 700 मीटर, यानी कुल तय की गई दूरी बराबर कितनी आई, 2 किलोमीटर 700 मीटर। ये तो था जोड़ का सवाल, आपके समझ में आया आप सभी के? जी भैया। अब देखिए घटाने के सवाल में किस तरह करते हैं, घटाने के सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे हमने जोड़ के सवाल में किया कि पहले छोटी इकाइयों को जोड़ा फिर बड़ी इकाइयों को, उसी तरह घटाने के सवाल में भी पहले छोटी इकाइयों को घटाएंगे और फिर बड़ी इकाइयों को। जैसे मान लीजिए एक सवाल के अंदर सवाल पूछा गया है कि 24 किलोमीटर 350 मीटर 46 किलोमीटर 875 मीटर से कितना कम है, तो फिर इसमें घटाने का काम किससे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम छोटी इकाइयों घटाएंगे, यानी गणितीय रीति से हम आपको सीधे बताते हैं, पहले एक तरफ किलोमीटर लिखेंगे और दूसरी तरफ मीटर, पहले मीटर के नीचे मीटर की राशियां और किलोमीटर के नीचे किलोमीटर की राशियां रख करके पहले छोटी इकाइयों घटाएंगे फिर बड़ी इकाइयों को, 46 किलोमीटर 875 मीटर ऋण 24 किलोमीटर 350 मीटर, और इसको घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 525 और किलोमीटर के नीचे 22, यानी कुल ला करके हम इसे किस तरह कहेंगे, दोनों का अंतर, क्या कहेंगे, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर आएगा 22 किलोमीटर 525 मीटर। ये थे इन इकाइयों के जोड़ व घटाने के सवाल।